अब अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जो कि उत्तराखंड से है, जहां पर आपको बता दें कि दुग्ध विकास विभाग ने मिल्क कैफे की योजना बनाई है, जहां माह के अंत तक 4 मैदानी जिलों में योजना शुरू होगी। आपको बता दें कि दूध से बने उत्पादों की मार्केटिंग के लिए भी लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है, जहां 2025 तक 500 मिल्क कैफे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और साथ ही नैनीताल में आंचल मिल्क कैफे की शुरुआत होने वाली है, जिसका प्रयास लगातार किया जा रहा है और उसकी योजना भी बना ली गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, दुग्ध विकास विभाग ने अब मिल्क कैफे बनाने की योजना तैयार कर ली है, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? अब देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनी है और जो बड़े बड़े ब्रांड्स है दूध के सेक्टर के, कहीं ना कहीं अगर हम उसकी तुलना में उत्तराखंड के सरकार के जो दुग्ध विकास के माध्यम से आंचल दूध के बने जो उत्पाद हैं उनकी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है, और इनकी मार्केटिंग के लिए सरकार ने कार्य योजना तैयार की है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हाल ही में सरकार ने एक कैफे देहरादून में खोला था, मिल्क कैफे आंचल का। तो जो ये आंचल नाम दिया है वो राज्य सरकार के दुग्ध विभाग का है, और ऐसे में दुग्ध विभाग जो है अब ये प्रयास कर रहा है कि इसी तरह के कम से कम मैदानी क्षेत्रों में जो मिल्क कैफे हैं वो 4 अलग अलग जनपदों में खोले जाएं और इसको इसी माह के अंत तक शुरू कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो आंचल दूध से बने उत्पाद हैं, चाहे वो जो भी हो, उन उत्पादों की ब्रांडिंग हो सके, उनकी मार्केटिंग हो सके और कहीं ना कहीं इससे जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको रोजगार के साधन भी मिल सकेंगे। तो ये कोशिश है विभाग के स्तर पर और इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है, और आने वाले समय में जो हम देख पाएंगे अलग अलग जनपदों में है वो दुग्ध मिल्क कैफे जो है वो हमें नजर आएंगे। अब देखना होगा कि इसके बाद आखिर जो उत्तराखंड में आंचल दूध की मार्केटिंग में कितना फर्क पड़ेगा, और जो इसकी ब्रांडिंग की बार बार सरकार के स्तर पर, विभाग के स्तर पर कोशिश की जा रही है, वो कितना सफल हो पाएगी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी है उससे कहीं ना कहीं आंचल ब्रांड जो है वो उसके कंपैरिजन में हम उतने अनुपात में नहीं देख सकते हैं। लिहाजा अब सरकार और विभाग के अधिकारी जो हैं ये जो कार्य योजना बना रहे हैं, आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ेगा, और जिस तरह से उत्तराखंड में जो डिमांड है दूध की और जो उत्पादन है उस लिहाज से अगर हम देखें तो विभाग के अधिकारियों को और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। जी, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आती है कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर दूध उत्पादन, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन के जो पशु थे उनके ऊपर लंपी वायरस जैसी संक्रमण बीमारी का खतरा भी देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से जो तमाम उत्पादन थे दूध के उनका जो पैसे थे वो ज्यादा लग रहे थे, और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस पर बड़ा खतरा भी मंडरा रहा था। तो क्या ऐसे में कोई राज्य सरकार ने कोई उपाय निकाला है कि ऐसी परेशानियों से बचने के लिए? सुनो, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। आपको बता दें कि दुग्ध विकास विभाग ने मिल्क कैफे की योजना बनाई है, जिसके मद्देनजर माह के अंत तक 4 मैदानी जिलों में इसकी शुरुआत करने की योजना बनाई है, और आपको बता दें कि 2025 तक 500 मिल्क कैफे बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है, जहां ऐसे तमाम जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में आंचल मिल्क कैफे की शुरुआत होने वाली है, जिसकी योजना भी बना ली गई है। तो 2025 लक्ष्य रखा गया है, जहां 2025 तक 500 मिल्क कैफे बनाने का राज्य सरकार की ओर से ये लक्ष्य रखा गया है। तो दूध से बने उत्पादों की मार्केटिंग के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और लगातार अगर देखा जाए तो ये कोशिश की जाती है कि नए नए क्षेत्रों में कहीं ना कहीं राज्य सरकार एक रोजगार तो उपलब्ध कराए ही, और साथ ही उत्तराखंड की जो आम जनता है जो कई सारी परेशानियों से जूझती है उसका निराकरण भी किया जाए, और जिसके मद्देनजर अब दुग्ध उत्पादन में अब लगातार प्रयास भी किया जाएगा।